इस वक्त की बड़ी खबर, एक आपत्तिजनक बयान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि देश में 14 लाख चुनी हुई महिलाएं आई हैं, अगर उन महिलाओं को कांग्रेस जोड़ ले तो मोदी को वापस गांधीनगर भेजा जा सकता है और गांधीनगर के आगे समंदर है उसमें पहुंचा दिया जाए तो और अच्छा। मणिशंकर अय्यर का एक ऐसा बयान जो कि आपत्तिजनक और विवादित दोनों। मणिशंकर का बयान, देश में 14 लाख चुनी हुई महिलाएं आई हैं, उनको कांग्रेस से जोड़ लिया जाए तो मोदी को वापस गांधीनगर भेजा जा सकता है, उसके आगे समंदर है उसमें पहुंचा दिया जाए तो और अच्छा। मणिशंकर अय्यर का यह बयान आपकी स्क्रीन पर। अब मैं आपके साथ गांव के जो महिलाएं हैं उनके बीच में काम करने को तैयार हूं, जो यहां के स्लम्स वगैरह होते हैं वहां भी हम जाएं, उनसे भी हम बात करें और उन महिलाओं को जिन्होंने दिखा दिया है कि वो सार्वजनिक काम करने चाहती हैं और कि उनको करने की क्षमता है, ऐसे महिलाओं को आपने कांग्रेस में जोड़ा तो मोदी जी को कल तक वापस जाना पड़ेगा गांधीनगर, और वहां से आगे हम समुंदर तक पहुंचा दें तो बहुत बहुत मुबारक। तो ये जो झूठे बातें कहे जाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से, जिसका जिक्र अभी सोनिया जी कर रही थी कि हम पाखाना बनाएंगे, बड़े आदमी आ गए हो पाखाना बनाने के लिए, जबकि हम इसको इतने आरसों से कर रहे हैं। मुश्किल ये है कि बनाना बहुत आसान है लेकिन पानी की उपलब्धि कौन करेगा, बिजली की उपलब्धि कौन करेगा, और यदि बिजली न हो पानी न हो तो कितने दिन तक उस पाखाने का उपयोग किया जा सकता है, इस पर तो सोचो, इसके बारे में कुछ नहीं। मणिशंकर अय्यर का एक विवादित बयान। इस वक्त हमारे साथ सरोज पांडे, महासचिव बीजेपी हमारे साथ हैं। पहली टिप्पणी आपकी सरोज जी, आपकी पहली टिप्पणी। मैंने अभी ने सुना मणिशंकर अय्यर जी को जी, और बेहद हास्यास्पद बयान है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि इस देश की आधी आबादी है महिलाएं और इन महिलाओं ने ही लोकतंत्र में एक निर्णय किया कि इस देश में आज कांग्रेस को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए कहीं कोर्ट में जाना पड़ता है। देश की आधी आबादी ने इस स्थिति में अगर पहुंचा दिया है तो इन्हें इस प्रकार की बातें कहने के पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, एक बार आत्मचिंतन करना चाहिए कि लोकतंत्र में महिलाएं किस स्थिति में ला सकती हैं। मोदी जी की बात तो बहुत दूर है, अभी तो ये अपने को ही अगर ठीक कर ले, और जहां तक सपने की बात है तो जो सपने देखता है वो उसको हकीकत में बदलने की ताकत रखता है, और जिन्होंने सपने दिखाए हैं वो उसको हकीकत में बदलेंगे, ये जनता का विश्वास है, इसलिए जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाकर। सरोज जी, मैं आपसे सीधे सीधे एक बात बोल रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री, पहले तो अब नरेंद्र मोदी खाली नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा बयान दिया जाना कि उनको समंदर में आगे और भेज दिया जाए तो और अच्छा, ये हास्यास्पद है या आपत्तिजनक है? आपत्तिजनक भी है, हास्यास्पद भी है, शर्मनाक भी है, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में हम एक पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक गरिमा की बात करते हैं और प्रधानमंत्री की बात हो रही है, अब कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है या किसी पार्टी के नेता की बात नहीं हो रही है, और किसी के लिए भी क्या इतने बड़े मंच से कांग्रेस का ये महिलाओं का सम्मेलन चल रहा है वहां पर इस बयान को आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्या इस पे ओवरऑल पार्टी का रिएक्शन आ रहा है? अभी तो मैं इस विषय पर इतना कह पाऊंगी कि जो नेता ने ये बयान दिया है वो खुद भी कोई बहुत गंभीर व्यक्तित्व के दिखाई नहीं देते हैं, उन्होंने इसके पहले भी विवादास्पद बयान दिया है इसलिए उनकी बात का कहीं कोई बहुत मतलब नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो कहा है उसे जनता ने लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र सबसे बड़ा एक जनता की अदालत रहती है, उसमें निर्णय हो चुका है, इसलिए निर्णय के बाद में इस प्रकार का विधवा विलाप तो ये हमेशा ही करते रहेंगे और 5 साल करेंगे, जनता ने इनको इस लायक बनाया है कि ये विधवा विलाप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि उसके आगे समंदर है उसमें पहुंचा दिया जाए तो और अच्छा है, प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया जा रहा है मणिशंकर अय्यर की तरफ से।
हार का दर्द रह रहे के टीस दे रहा है ऐसा लगता है कांग्रेस को, क्योंकि इस वक्त सोनिया गांधी ने भी साधा है प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना, कहा है नकली सपने दिखाने वालों के हाथ में सत्ता मिली। सोनिया कांग्रेस महिला सम्मेलन में बोल रही थी, उनका यह भी कहना है कि जो आज सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार आज फैसले ले रही है, वो फैसले हम ही ने किए थे, बस उसकी पैकेजिंग बदल दी गई। हमने इतना सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा जाल बिछाया कि जनता उसमें उलझ गई। हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत जिंदगी का हिस्सा। असली बात तो है अपने उसूलों पर कायम रहना। और मैं फिर ऊंचा करके कह सकती हूँ आप सबके साथ कि कांग्रेस ने चुनावी इतिहास में फायदा उठाने के लिए कभी कभी अपने मूल्य और सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं की। कांग्रेस ने कभी भी अपने सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं की। ऐसे ही इतने सारे करप्शन के केसेस आ गए, सीधे चलते हैं, आइए देखते हैं क्या कहा है बीजेपी ने। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा से बातचीत की, मुख्तार अब्बास नकवी। सोनिया गांधी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, सोनिया कहती हैं कि जो काम उनकी सरकार ने शुरू किया वही काम आप लोग पूरा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि सोनिया गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि चुनाव खत्म हो चुका, और चुनाव खत्म हो चुका तो उनको डिफीट का डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए। अगर हार के हैंगओवर से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरह के बहके हुए बेसुरे बयान देंगे। पहली चीज़ ये कि उन्हें अगर अभी भी सपने दिखाई पड़ रहे हैं और सच्चाई नहीं दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का हश्र आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। जो डेवलपमेंट सुशासन की व्यवस्था थी उसको कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 10 सालों में करप्शन और कुशासन ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था, और जो हाईजैक की गई भी वो सुशासन और डेवलपमेंट की व्यवस्था थी उसको हमने बहाल किया है, वापस लाए हैं। आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें सच्चाई दिखेंगी, वो चाहे आंख बंद करके देखें, आंख खोल कर देखें, दिन में देखें, रात में देखें, उनको सच्चाई देखनी ही पड़ेगी। वो कहती है कि हमने सब कुछ किया लेकिन जनता कुछ लोगों के बिछाए जाल में फंस गई। खुद उनका बिछाया हुआ जाल था, खुद कांग्रेस ने जो जाल बिछाया था, जो कुशासन का चक्रव्यूह था उनका, करप्शन का चक्रव्यूह था, घोटालों का चक्रव्यूह था, वो उनका था, जिससे लोग बाहर निकल कर आए हैं। अगर उनको ये समझ में आ रहा है कि लोगों को फिर उसी में घुसे रहना चाहिए था, उसी में फंसे रहना चाहिए था, तो अब उस पर तरस आता है। महिला आरक्षण पर कह रही है कि उन्होंने राज्यसभा से बिल पास किया, एनडीए सरकार की जिम्मेवारी और दबाव डालेंगे। बीजेपी कांग्रेस ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बिगेस्ट फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा धोखाधड़ी की है। अगर आपको अच्छी तरह याद होगा तो वो महिला आरक्षण बोलते तो रहे कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो है उनका मकसद और मंशा थी कि महिला आरक्षण ना हो। और जो राज्यसभा में आधी रात में किया, जो नाटकी घटनाक्रम हुआ, वो सोनिया गांधी जी के निर्देशन पे हो रहा था, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पे हो रहा था। उनके साथी कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे। महिला आरक्षण के मुद्दे पर हम कमिटेड हैं और हम महिला आरक्षण को लाएंगे। तो धन्यवाद नकवी जी। कैमरामैन ताहिर चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।